नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुक इन किचन में। दोस्तों, मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा एक चिकन मंचाव सूप। चिकन मंचाव सूप का रेसिपी मैं आपको आज बताऊंगा और आप लोग देखिए, देख के बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए दोस्तों। अब चिकन मंचाव सूप बनाने के लिए दोस्तों हम लोग स्टॉक वाटर बनाना पड़ेगा। स्टॉक वाटर के लिए हम लोग थोड़ा सा चिकन लेके हाफ एन आवर तक उसको वाटर डाल के हम लोग बॉईल करके रखना पड़ेगा। इसके बाद अभी थोड़ा क्रिस्पी नूडल का ज़रूरत पड़ेगा। क्रिस्पी नूडल तो हम लोग थोड़ा तेल लिया, ऑयल लिया था। ऑयल अच्छे से हीट हो जाने के बाद थोड़ा नूडल्स उसमें डाल के फ्राई करके हम लोग साइड में निकाल लेना है। अभी देखिए मैं निकाल लिया हूँ थोड़ा नूडल्स फ्राई करके। इसके बाद मैं पैन लगा दिया। अभी थोड़ा सा कीमा चिकन है उसमें डाल देता हूँ। एक टेबलस्पून ऑयल डाला था। इसके बाद कीमा चिकन को डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी देखिए इसके थोड़ा वेजिटेबल का ज़रूरत पड़ेगा। वेजिटेबल तो थोड़ा कटिंग कर लेता हूँ, कटिंग करके इसमें डाल दूँगा। अगर आपको वेजिटेबल को बॉईल करके डालेंगे तो और भी अच्छा है, नहीं तो ऐसे ही डाल सकते हैं। डाल के अच्छे से कुक कर लीजिए। अभी देखिए मैं कुक कर लिया हूँ, गैस मीडियम फ्लेम में है। अभी इसमें डाल देता हूँ थोड़ा गार्लिक, चॉप गार्लिक। इसके बाद थोड़ा कोरिएंडर लीव्स डाल देता हूँ। देखिए मैं डाल दिया हूँ। डाल के अच्छे से कुक कर लेंगे इसको, मीडियम फ्लेम में ग्लास है। अभी देखिए कुक हो रहा है। इसके बाद मैं डालता हूँ थोड़ा पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर थोड़ा डाल देता हूँ। डाल के उसको भी कुक कर लेंगे क्योंकि चिकन हमारा कच्चा था, अच्छे से पकना चाहिए। इसके बाद थोड़ा ब्लैक सॉस है, सोया सॉस जो कि सूप के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो सोया सॉस थोड़ा सा डाल के एक टीस्पून सोया सॉस ही डाल दीजिए। डाल के अच्छे से कुकिंग कर लेंगे। इसके बाद जो स्टॉक वाटर बना के रखा था वो स्टॉक वाटर मैं ऐड करूँगा इसमें। आप जितना सूप बनाएंगे उसी हिसाब से स्टॉक वाटर ऐड कर दीजिए। अब मैं दो सूप बनाना चाह रहा हूँ इसलिए इतना स्टॉक वाटर में ऐड किया इसमें। अभी इसमें डालता हूँ थोड़ा नमक, सॉल्ट, थोड़ा टेस्ट का हिसाब से आप डाल दीजिए। इसके बाद थोड़ा चिल्ली पेस्ट ऐड कर दीजिए, थोड़ा स्पाइसी के लिए चिल्ली पेस्ट ऐड करना पड़ेगा। एक टेबलस्पून चिल्ली पेस्ट ऐड कर दीजिए। ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी देखिए कैसे मिक्सिंग हो रहा। मिक्सिंग होने बाद इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लावर ऐड कर दीजिए। कॉर्नफ्लावर डाल के अच्छे से मिला लीजिए। जितना थिक करना चाहते हैं आप सूप वही हिसाब से कॉर्नफ्लावर देख के डालिए। थोड़ा थोड़ा डालिए, ज़्यादा मत डालिए। जितना थिक होना चाहिए आपको उतना थिक हो गया। अभी देखिए हमारा सूप भी हो गया है थिक। अभी इसमें एक एग था, एग को मैं डाल देता हूँ। एक डालने के बाद दो चार सेकंड आपको वेट करना है। वेट करके इसको फिर मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए अभी मिक्स कर लिया हूँ मैं। अभी सूप ऑलमोस्ट कंप्लीट रेडी हो गया है आपका। ये देखिए कलर भी अच्छा है, सूप भी ज़्यादा थिक नहीं हुआ। अभी देखिए सूप रेडी हो गया। अभी इसको एक बॉल में मैं निकाल देता हूँ, सूप बॉल में निकाल देता हूँ। अभी निकालने के बाद जो क्रिस्पी नूडल हम लोग तैयार करके रखा था पहले से, वो क्रिस्पी नूडल को हम लोगों को इसके ऊपर में डालना है, डाल के सर्व करना है। देखिए मैं डाल दिया हूँ, आपका सूप बन गया है चिकन मंचाव सूप।